Zoom Iskoteko. Zoom Iskoteko. वेलकम बैक टू प्लैनेट बॉलीवुड। सबसे पहले बात करते हैं हम बॉलीवुड स्टार्स के फोटोशूट्स की। अपने आप को ग्लैमरस और हॉट प्रूफ करने के लिए हिट स्टार्स समय समय पर करवाते रहते हैं अपना फोटोशूट, पर यकीन मानिए इन फोटोशूट्स के पीछे छिपी होती है स्टार्स की कड़ी मेहनत। क्या क्या बातें उन्हें फोटोशूट्स के दौरान अच्छी लगती है और किन किन चीजों से है स्टार्स को परहेज, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बॉलीवुड सेलेब्स को उनके ग्लैमरस बेस्ट में देखने का सबसे अच्छा मौका होते हैं फोटोशूट्स। फोटोशूट्स वो हैं जिनके लिए सेलेब्स अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल ही लेते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपनी पिक्चर्स को अपडेट करना। लेकिन ये फोटोशूट्स जितने ग्लैमरस लगते हैं उतने होते नहीं है। दरअसल उनके पीछे छिपी होती है खासी मेहनत। सबसे पहले तो सेलेब्स का फोटोशूट में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है, जिस वजह से वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स के साथ ही शूट्स करना पसंद करते हैं, क्योंकि वही सेलेब्स के मूड स्विंग्स को अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। डब्बू मुझे कभी भी कुछ भी कहते हैं, मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। आई न्यू आई एम शूटिंग विद डब्बू रत्नानी एंड व्हेन यू आर विद हिम यू कैन बी कंप्लीटली श्योर दैट इट विल बी वेल प्रेजेंटेड। सुबी एंड आई गो अ लॉन्ग वे एक्चुअली विद he was actually one of the first photographers whom I shot with when I came into the film industry. फोटोशूट्स में सेलेब्स का एक दिन चला जाता है कई लुक्स चेंज करने में। कुछ लुक्स जल्दी हो जाते हैं तो कभी एक लुक में आने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में अच्छा म्यूजिक सेलेब्स के मूड को बनाए रखने में मदद करता है। अक्सर सेलेब्स फोटोग्राफर्स से अपने फेवरेट म्यूजिक की मांग करते हैं, नतीजा फोटोशूट्स में सेलेब्स का दिल लगा रहता है। The music we were playing was, you know, really helping the mood also. And the most important thing about a good photo shoot is to have great music, because that's what sets the ball rolling. कुछ अपने फोटोशूट्स में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं, जैसे कि डब्बू रत्नानी के कैलेंडर को ही ले लीजिए। लारा दत्ता ने एक बाथ टब में शूट किया, वहीं कंगना रनौत ने एक बोल्ड फोटो दी। मैं कभी भी अपने दिमाग में ऐसी लॉजिकल या कैलकुलेटिव बातें नहीं डालना चाहती कि इतना तो किसी ने कभी किया नहीं होगा तो मैं करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे। जब कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है और उसको अगर आपको अंजाम देना है तो उसके लिए कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर जब कोई बोल्ड फोटोशूट हो तो सेलेब्स अपने आसपास ज्यादा लोगों को पसंद नहीं करते। हर शॉट के बाद सेलेब्स अपनी पिक्चर्स को देखते हैं और मन मुताबिक उनमें से बेस्ट पिक्चर्स सेलेक्ट करते हैं। अपना बेस्ट शॉट देने के लिए कितनी बार ही रीटेक्स क्यों ना देने पड़े, सेलेब्स इसमें पीछे नहीं हटते। तो अब आप समझ गए होंगे कि फोटोशूट्स के पीछे कितनी मेहनत लगती है, और बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ सेलेब्स के लिए फोटोशूट्स बनते जा रहे हैं और भी चैलेंजिंग।